दिमाग का उल्टा चश्मा। हाँ पापा, मैंने ऑर्डर दे दिया है, अभी आते ही होंगे अचार और पापड़। अरे विवेक, मैं पापा से बात कर रही थी। कोई जरूरत नहीं है बात करने की। बात करने दो ना विवेक। देखो पापा को माधवी भाभी के अचार और पापड़ बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ऑर्डर दिया था, और उसी के लिए तो उनसे बात कर रही थी। जब देखो जब मायके वालों की बात करती रहती हूँ। अगर उन्हें अचार पापड़ इतने ही पसंद है तो खुद जाकर क्यों नहीं लेकर आती है? अब से ये सब बंद, चुप बैठ। देखो विवेक, मेरा फोन दे दो। मैंने कहा ना चुपचाप बैठ जा। और सुन, अब से मुझसे बिना पूछे कहीं पे भी बात की ना तो तुम्हारा ये फोन तोड़ दूंगा। अरे भाई साहब, भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? पत्नी से ऐसे बात नहीं करते, पत्नी तो घर की लक्ष्मी होती है। तुम कौन? अरे मेरे घर में कैसे आ गया? वो मैं माधवी भाभी के वहाँ से अचार पापड़ की डिलीवरी देने आया था। लेकिन आप जो ये अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं, मोबाइल तोड़ दूंगा और ये दादागिरी, ये सब गलत है। ए, मुझे सही गलत का पाठ मत पढ़ा। जो काम करने आए कर और निकले यहाँ से। देखिए थोड़ा आराम से बात कीजिए, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये डिलीवरी के काम के साथ साथ मैं एक पत्रकार हूँ, पत्रकार पोपटलाल। और आपने जो ये अभी अपनी पत्नी का अपमान किया है ना, वो सब मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। तो धमकी दे रहा है तू? जो भी है पत्रकार वत्रकार, हम पति पत्नी के मैटर में घुसने की जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है, मैं एक जागरूक नागरिक हूँ, और एक जागरूक नागरिक का फर्ज होता है कि जब भी किसी स्त्री पर अन्याय हो उसके खिलाफ आवाज उठाए। अब देखो कैसे मैं तुम्हारी दुनिया हिलाता। ये रिकॉर्डिंग सीधा पुलिस के पास जाएगा। नहीं नहीं भाई साहब, मेरे पति के साथ ऐसा मत कीजिए प्लीज। अरे बहन जी, पति है तो क्या हुआ, इससे अत्याचार करने का लाइसेंस थोड़ी मिल जाता है। भाई साहब आप तो चले जाएंगे फिर मुझे। अब डरिए मत, मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है और सीधा भी किया है। मैं भूतपूर्व ही सही लेकिन एक प्रतिष्ठित पत्रकार हूँ, ना मैं अन्याय करता हूँ ना करने देता हूँ। ए भाई बहुत हो गया न्याय अन्याय का ज्ञान, चलो निकलो यहाँ से। अरे जा रहा हूँ। नाम विवेक है लेकिन एक पैसे का विवेक नहीं। अब तो पुलिस ही तुम्हें सबक सिखाएगी। और बहन जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भाई साहब की अकल बहुत जल्द ठिकाने पर आ जाएगी। अरे जाओ यहाँ से, चलो निकलो। अरे जा रहा हूँ। और हाँ, ये अचार पापड़ भी लेते जाओ, किसी को नहीं चाहिए। अरे तुम जैसों को हमें अपने अचार पापड़ देने भी नहीं है, लेके जा रहा हूँ। मिस्टर विवेक देखो पुलिस तुम्हारी कैसे बैंड बजाती है। कहाँ से मंगाई थी अचार पापड़? वो भिड़े भाई और माधवी भाभी से। लगा उसको फोन। माताई का फोन? ये पोपटलाल उनके घर पे डिलीवरी करने पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हाँ बोलिए माताई। मैं उमा का पति विवेक बोल रहा हूँ, आप वही अचार पापड़ वाले भिड़े हैं ना? जी हाँ, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ। किस बदतमीज आदमी को भेज दिया था? पोपटलाल को भेजा था, क्या किया उसने? क्या किया? अरे ये पूछो क्या नहीं किया, हम पति पत्नी के पर्सनल मैटर में घुस रहा था वो। पोपटलाल भिड़े भाई, अपने अचार पापड़ यहाँ मत भेजना, समझे? हेलो माधवी, ए माधवी क्यों चिल्ला रहे हैं आप? ये पोपटलाल हमारे आचार पापड़ के बिजनेस पे ताला मार के ही रहेगा। क्या बोलता है तुम्हें? ये उमा ताई के हस्बैंड है ना विवेक, उनका फोन आया था अभी, उन्होंने बोला कि कैसे बदतमीज आदमी को भेजा आपने, आपके सारे ऑर्डर आज से कैंसिल। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि तुम्हारे पोपट भाव जी ने उनके पर्सनल मामले में टांग अड़ाई। क्या कर रहे हैं अभी आप? पोपटलाल को फोन लगा रहा हूँ। वो घर पे आने के बाद बात कीजिए ना। मैं अभी उससे बात करना चाहता हूँ। बीड़े का फोन? ये जरूर उस विवेक ने बीड़े को फोन किया होगा। नहीं नहीं नहीं, अभी उसका फोन उठाऊंगा तो मुझे भाषण देगा, उससे अच्छा है घर जाकर बात करूंगा और उसे शांति से समझाऊंगा। फोन काट दिया। भिड़े मुझ पर गुस्सा करे तो करे, मैं क्या करूं?
मैं एक जागरूक नागरिक हूँ, मुझसे अन्याय बर्दाश्त नहीं होता। पहली डिलीवरी नहीं हुई वो मेरी गलती थी, लेकिन इस बार मेरे को जरा भी शांति नहीं। अरे आ रहा हूँ भाई। काट बेटा, जितनी बार फोन काटता है तू काट, मैं फोन लगाता रहूंगा। अरे ये फोन उठा ही नहीं रहा है। अरे वैसा ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं लगी तो नहीं आपको जाना? पीड़े का स्कूटर तो 50-50 हो गया। ऐसी हालत में इसे गोकुलधाम कैसे ले जाऊं? क्या करूं? सोडी को फोन करता हूं। अरे ये सोडी फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे उठा सोडी फोन उठा। अब क्या करूं? ये भिड़े कितने फोन कर रहा है, क्या करूं? भिड़े को बता दूं कि सखाराम का एक्सीडेंट हो गया? नहीं नहीं नहीं, अरे क्या नहीं पोपटलाल, बाद में भी तो बताना ही पड़ेगा। बता देता हूँ। हेलो, ये पोपटलाल कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? सॉरी सॉरी भिड़े, सॉरी क्या सॉरी, सॉरी क्या सॉरी, वो क्या सकाराम का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा सकाराम का एक्सीडेंट? क्या तू चिंता मत कर, मैं उसे अभी रिपेयर करा के लेकर आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसे कुछ मत कर ला। ओके ओके ओके, वो जिस हाल में उस हाल में उसको यहाँ पे लेके आओ। सकाराम के दो टुकड़े देखकर भीड़े जबरदस्त तांडव करेगा। सकाराम को ठोक दिया उसने, एक्सीडेंट किया सकाराम का। ओगो भाई, पोपट बाबू जी ठीक है ना? वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, सकाराम का ही एक्सीडेंट हुआ है। पर कैसे हुआ? वो अभी आने के बाद पता चलेगा, पूछूंगा ना उसे मैं। मुझे पता था मुझे ये पोपटला जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ही करेगा। आप शांत हो जाइए। कमाल हो तुम आदमी, वाकई कमाल हो। वो पोपटलाल हमारे ऑर्डर पे ऑर्डर कैंसिल करवा रहा है, मेरे सकाराम को ठोक दिया, एक्सीडेंट करवा दिया उसका, और तुम बोल रहे हो कि मैं शांत रहूं? एक तो पता नहीं मेरे सकाराम का क्या हाल हुआ होगा। मैं जा रहा हूँ नीचे। अहो, अहो। माधवी, या पोपटलाल ने माझा डोक फिरो ले डोक। एक तो हमारे सारे ऑर्डर कैंसिल करवा ही रहा है, ऊपर से मेरे सकाराम का एक्सीडेंट भी कर दिया। आने दो उसे, मैं छोड़ने वाला नहीं उसे। ने बोला था उसे कि सकाराम को मत लेके जाओ, रिक्शा से जाओ, लेकिन नहीं, मैं चला लूंगा। ठोकरा सकाराम, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता है और काम में जीरो है, जीरो। बाबा क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों? पोपटलाल ने मेरे सकाराम का एक्सीडेंट कर दिया सोलू। क्या उत्तरी? अरे पोपट अंकल ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, ठंड ठंडी दे तो। एक्सीडेंट सकाराम का हुआ है, पता नहीं उसकी क्या हालत होगी, मेरा सकाराम किस हालत में होगा, कुछ कुछ मालूम नहीं है मुझे। अरे बाप रे। बाबा ये सब कैसे हुआ और सकाराम कहाँ है? अरे टेस्ट तो माई नहीं है ना। सोनू अभी ये ज्यादा सवाल मत करना, पोपट भाऊ जी आएंगे तब सब पता चल जाएगा। हाँ बड़ा, आले आले
सकाराम, अरे क्या हो गया मेरे सकाराम को? अरे देवा, क्या हालत हो गई मेरे सकाराम की? बाप रे, आहिस्ता 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 आहिस्ता, अरे काय झालं सखरामचं? क्या हो गया सखाराम, तुझे क्या हो गया? ये सखाराम तो सखाराम हो गया नहीं? अरे ये क्या कर दिया तुमने? हाँ, मेरे सकाराम के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लगता है बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। ये भेरे भाई के स्कूटर का ऐसे कैसे हाल हो गया? किसी को कोई चोट तो नहीं आई ना? अंजलि भाभी, मेरे दिल को चोट पहुंची है। पता नहीं ये सखाराम को कैसे चला रहा था। अरे कैसे हुआ ये सब? अरे बोलो ना, चुप क्यों हो? हाँ पोपट बेटा, जल्दी बता क्या हुआ। चाचा जी, वो मैं भिड़े की पार्टी के घर आचार पापड़ की डिलीवरी करने गया था। अरे वो मत बताओ पोपट लाल, एक्सीडेंट कैसे हुआ ये बताओ। मेरे सखाराम के दो टुकड़े कैसे हुए ये बताओ। वो मेरा वो पार्टी ने दिमाग खराब कर दिया था। मैं डिस्टर्ब था और उसमें बार बार तेरे फोन आ रहे थे और उतने में पता नहीं कहां से अचानक एक बच्चा बीच में आ गया। चुप चुप पोपटलाल, चुप रहो, फालतू के बहाने मत बनाओ। सच बात तो यह है कि तुम्हें सकाराम को ठीक से चलाना ही नहीं आता। तुमने जरूर मेरे सकाराम को स्पीड से चलाया होगा, इसलिए तुमने उसको ठोक दिया। नहीं 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 भिड़े, मैं सखाराम को आराम से ही चला रहा था। अरे भाई भिड़े, जरा शांत हो जा, शांत हो जा। अरे कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ देख, मैं सोड़ी को बोल के तेरे स्कूटर का मेरा मतलब है सखाराम की कंप्लीट ट्रीटमेंट करा दूंगा। भिड़े भाई टेंशन मत लो, सकाराम पहले जैसा था ना वैसे सोड़ी भाई बना के दे देंगे। हाँ रोशन छे ना। हाँ मैंने सोड़ी को फोन भी किया था लेकिन उसने फोन उठाया नहीं, तो मैं सकाराम को लेकर सीधा उसके गैरेज जा रहा था, तभी तेरा फोन आया। तूने बोला सकाराम जिस हालत में है जैसा भी है उसे लेकर सीधा गोकुलधाम सोसाइटी आओ, तो मैं यहाँ चला आया। वरना अभी तक तो सकाराम ठीक हो गया होता। देख सोड़ी का ही फोन है। हेलो सोड़ी। हाँ पप्पू बोल। भाई कहाँ है तू? मैंने कितने फोन किए तुझे, कहाँ गायब हो गया था? अरे पप्पू वो गाड़ी के काम में बिजी था, अभी तेरे मिस कॉल देखे तो तुझे फोन किया। बता तेरा कुछ काम बना कि नहीं? वो एक प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम क्यों होया? अरे मैं वो भिड़े के सखाराम को ले गया था बाहर, तो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। छोटा सा मतलब थोड़ा बड़ा हुआ है। सखाराम के दो दो टुकड़े हो गए हैं। वो तेरी, तो तू तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर ये तो बता ये सब हुआ कैसे? अरे तू वो सब छोड़, तू अपने आदमियों को एकदम भेज अर्जेंट और इसको उसको यहाँ से लेकर जा और फिर एकदम इसको ठीक कर देना। ठीक है पप्पू, मैं अपने बंदों को भेज के सखाराम को मंगवा लेता हूँ। वो भिड़ू से कहना कि टेंशन ना ले और सखाराम पहले जैसे हो जाएगा। थैंक यू सोड़ी, चल बाद में बात करते हैं। ठीक है। सोड़ी ने बोला है कि वो सखाराम को पहले जैसा कर देगा, तो अब तू फालतू का टेंशन लेना बंद कर दे। फालतू फालतू
सकरम को फालतू बोल रहे हो तुम? मेरा सकरम फालतू है, तेरे इस छाते को तोड़ देता हूँ और बोलता हूँ फालतू में टेंशन मत, चलेगा? अरे हाँ, हुई ना तकलीफ, हुई ना तकलीफ। अरे तुम्हारे भले ये स्कूटर है लेकिन मेरे लिए मेरा सखा है, मेरा साथी है, मेरा परिवार है ये। पटना लगकर अपने परिवार पर छोटी सी खरोच भी आती है ना तो तकलीफ होती है, और तुमने देखो मेरे सखरम का क्या हाल किया है। भेड़े भाई आप टेंशन मत लीजिए, सखरम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ मारे रोशन छे ना, सखरम को एकदम ठीक कर देगा। और तू खर्चे की चिंता मत कर, इसकी ट्रीटमेंट का जो भी खर्चा होगा पूरा खर्चा मैं दूंगा। खर्चा? तुम्हें खर्चे की पड़ी है? अरे सकरम की हालत देख क्या हुई है। मेरे भाई प्लीज काम डाउन। हाँ इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हाँ? आप प्लीज शांत हो जाइए। हाँ? अरे कैसे शांत हो जाऊं कुमार भाभी, मैं कैसे शांत हो जाऊं? एक तो इसे सकरम का एक्सीडेंट करवाया, ऊपर से हमारे पापड़ और सर की सारी डिलीवरी कैंसिल करवा दी। अरे मैं वहाँ गया तो उमा था और उनके पति के बीच में झगड़ा चल रहा था। अरे तो पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं, तुम्हें किसने कहा था बीच में पढ़ने के लिए? ओ भाई ओ, हमारा आचार पापड़ का छोटा इसी लेकिन बिजनेस है जिसको हमने बहुत मेहनत से संभाला है, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारा नाम खराब हुआ है। मैं जब भी डिलीवरी करता हूँ ना पोपटलाल, हमेशा टाइम पे करता हूँ, हमेशा डिसिप्लिन के साथ करता हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारा नाम खराब हुआ है और ऑर्डर कैंसिल हुआ है अलग से। भिड़े देखो पहली बार ऑर्डर में जो गड़बड़ हुई थी वो मानता हूँ मेरी वजह से हुई थी, पर वर कुछ नहीं, पोपटलाल की बकवास बंद करो। आहो थोड़ा शांति से बात कीजिए ना, कितना गुस्सा कर रहे हैं आप। अरे गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं माधवी, देखा ना कितना परेशान किया इसने। पोपटलाल ये जो कुछ भी हुआ है ना तुम्हारे सरफिरे दिमाग की वजह से हुआ है। बस अभी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, तुम कोई डिलीवरी नहीं करोगे। चाहो अब कैसी बात कर रहे हो उनसे, उनको बुरा लगेगा। हाँ तो लगने दो माधवी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ना ये दरअसल कोई काम करने के लायक ही नहीं है। ओहो काय बोलता है तुम्हें, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। पोपटलाल हमेशा तुम सबसे नड़ते रहते हो, अपने दिमाग में आया वही करते हो, इसका दूसरों पर क्या असर होगा उसके बारे में सोचते ही नहीं हो। शायद इसीलिए तुम्हारी आज तक शादी नहीं हुई है, आज तक शादी नहीं हुई है, आज तक शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, और इसी तुम्हारी अड़िया स्वभाव की वजह से तुम्हारी अड़िया स्वभाव, तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारी नौकरी चली गई है। भेड़े भाई की बात का बुरा मत मानना। हाँ देख पोपट बेटा इतना मायूस नहीं होता है, अरे वो भेड़े का नुकसान हुआ ना इसलिए वो तुझ पे गुस्सा कर रहा था, लेकिन अभी उसका सब गुस्सा निकल गया है? तो अभी उसके मन में तेरे लिए कोई कड़वाहट नहीं रहेगी। पोपट भाई प्लीज बी पेशेंट, देखिएगा जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ पोपटलाल भाई डोंट वरी, आप जल्दी इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। ये दरअसल कोई काम करने का लायक नहीं, तुम्हारी आज तक शादी नहीं हुई है, इसी तुम्हारी अड़िया स्वभाव की वजह से ना तुम्हारी नौकरी चली गई है। दुख भरी धुन क्यों न हो, हालात ही कुछ ऐसे।
बिना किसी कसूर बिना किसी बारिश के पोपटलाल पे बिजली गिरी और इस तरह से गिरी कि पोपटलाल को झकझोर कर रख दिया है। भाई हालात और हवा किसी के काबू में नहीं होते और आज जो कुछ हुआ है हालात की वजह से हुआ है, ना भिड़े की गलती है ना पोपटलाल की गलती है। पोपटलाल ने वही किया जो एक जागृत और जागरूक नागरिक को करना चाहिए, लेकिन हालात से टूटा पोपटलाल भिड़े को पूरा सच न बता सका और अपने अचार पापड़ के बिजनेस की टेंशन और सखाराम की टेंशन में भिड़े पूरा सच सुन न सका और ये हो गया और आखिरकार भिड़े और पोपटलाल के विचार आपस में टकरा गए और ये मन का एक्सीडेंट हो गया है और इसीलिए इस वॉयलिन से आज दुख भरी धुन निकल रही है। लेकिन दोस्तों ये गोकुल धाम है, कौन सी धुन कब किस भाव में तब्दील हो जाए पता नहीं चलता। आज तो दुख भरी धुन है, हो सकता है कल यहाँ पे ठहाके लग रहे हो। इस वक्त पोपटलाल हालात से टूटा हुआ है, दुख की धूल उसके कपड़ों पे है, लेकिन क्या पता कि वो दुख की धूल झाड़ कर खड़ा हो जाए और आपके लिए ठहाके बरसा दे। जो भी होगा होगा, हंसी के साथ बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.